सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के दिन मेरा पूरा वर्कआउट शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ, मतलब चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट करने वाला हूँ, उसमें सारी नई एक्सरसाइज करूंगा और आप लोगों से भी शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट कर अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, हमने चेस्ट वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ ली है। पहले अपन खाली बेंच पर करते थे, अब मशीन के साथ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं और कैसे करेंगे वो आप देख लेना। तो गाइस, अपना पहला सेट पूरा कंप्लीट हो गया है और आप पंप चेक करो एक बार, कितना तगड़ा आया पहले सेट में। और सेकेंड जो है ना अपना, ये है जो बाहू मार रहा है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। डिफरेंट बस इनमें यही है कि अपन पहले इधर मारते थे, अब इधर आ चुके हैं, तो यही चेंजेस है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी बहुत सी एक्सरसाइज है, और अगर आप लोग बिगिनर्स हो और मेरे को देख रहे हो, तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही हो सकती है। मशीन पर आप तीनों डिक्लाइन मार सकते हो। डिक्लाइन देखो, फ्लैट बेंच प्रेस मार सकते हो, इंक्लाइन मार सकते हो, डिक्लाइन भले आप इसमें मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये दो आप इस पर ही मारो अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि इसमें जो ना कंट्रोल में चलेगा, मसल्स पे चलेगा, प्रॉपर चलेगा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं अभी। तो गाइस, अपनी सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसको कैसे मारते हैं आपको मालूम नहीं है, लेकिन इससे प्रॉपर तरीके से आपके अपर चेस्ट में आएगा, ओपन आप चेक करो और बताओ सही है कि गलत। और इसको आप लोग जरूर जरूर लेट करना, थोड़ा बहुत बोलो जाएगा। तो गाइस, सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड रहेगी अपनी डिक्लाइन डंबल प्रेस। ये अपने कुछ इस तरीके से करेंगे वाली एक्सरसाइज को। अपन रोड भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा कंफर्टेबल हम डंबल से, और पंप भी तगड़ा आ रखा है देखो अपर चेस्ट में। और ये जो बाल है ना, इसको इग्नोर करना, बहुत गंदे लग रहे हैं मुझे मालूम है, बट कटिंग कराने का समय नहीं मिला, कल इंशाल्लाह करवा लूँगा। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड्स बेकार लग रहे हैं ना, कोई ना। तो गाइस, अपनी थर्ड एक्सरसाइज है डिक्लाइन डंबल प्रेस, वो करते हैं। तो गाइस, अपना चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अब अपन करेंगे ट्राइसेप वर्कआउट की एक्सरसाइज। और अपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं याली, ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी और ये भी न्यू है अपने लिए। कुछ इस तरीके से ही करेंगे इसको परफॉर्म अपने। और अभी ये पंप है, बाद में आपको बताते हैं कैसा पंप आता है। तो गाइस, ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज अपने स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे क्या मारते हैं आप देख लो, लेट्स गो।
गाइस मेरा जिम पार्टनर तो चला गया इसलिए मैं ट्राइपॉड से वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट की दो बची थी, एक बना ली, अभी एक और वर्कआउट की बनाते हैं। वो ट्राइसेप में पंप चेक करो आप, कितना खतरनाक आ रखा है। ओके तो थर्ड एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ट्राइसेप वर्कआउट आपने लास्ट एक्सरसाइज किया था, यानी कोई तरीके से पूरी भी नहीं एक्सरसाइज होती थी जो कि काफी सही है। वर्कआउट डन। और अगर आप भी चेस्ट एंड ट्राइसेप की एक्सरसाइज दोनों साथ में करते हो तो याली एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करना, काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी तगड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। दो महीने इसको एक बार करके देखो, काफ़ी सही एक्सरसाइज है। और आज की वीडियो का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।